मम्मी के पूरे हाथ पैर। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। 5:30 बजे उठी हूँ, पता रोज उठ रहे तो पर भी बिल्कुल भी नींद नहीं खुलती। 2 महीना हो गया आई थिंक कंटिन्यू। तो आज बना रही हूँ पोहे। टिका भी जस्ट उठी है 6:45। कौन कौन पहनता है ऐसे मोजे बताना कमेंट करके। जैसे ही निकलने का टाइम हुआ है, इधर से बारिश भी स्टार्ट हो गई है। क्या दुश्मनी है बारिश की, 10 मिनट बाद गिर जाती। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो लोग भीगते भागते, तो बारिश तो फिर स्टार्ट हो गई है एंड फिर दिखा रहा है वेदर में कि बहुत मतलब आज होनी ही है बारिश। तो जितने कपड़े ये देखे इधर उस रूम में जितने भी सूखे वाले हैं मैं सबको फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि कल वाले हैं फिर आज वाले निकलेंगे, उनको भी जगह चाहिए। धूप का वेट कर रही थी इसलिए ऐसे छोड़ के रखा था बट एंड बारिश हिती का गुस्सा हो रही है। चलिए, लाइट नहीं है रात से तो पानी भी नहीं है। मैं जल्दी जल्दी काम करी, खाली पोछा बाकी था मेरा शार लेना, तो वो भी नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। सो ही गाइस, मेरा शार लेने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था। हितिका गई फिर मैं आके बेड में लेटी तो मुझे नींद आने लगी थी। फिर आई थिंक कुछ देर लेटे हुए फिर मैंने सोचा नहीं शार ले लेना चाहिए। फिर जाके नहावा लिया तो अभी कहाँ की नींद, अभी तो नींद भग गई। अभी 8 बज गया है, काफी देर से मतलब मैं कपड़े वपड़े फोल्ड किए सारे जो गीले थे और बिखेरे मौसम का, तो वही हाल है। तो फिलहाल चाय बन रही, चलिए चाय पियेंगे। पूरे घर में तो कपड़े टंगे पड़े हैं तो प्लीज नेवर माइंड कीजिएगा। तो आज मैंने बहुत थोड़ा सा पोहा लिया, एकदम थोड़ा सा, क्योंकि मेरा मन कर रहा था खाने का तो सोचा क्यों ना खाया गया। बताऊ चाय में जो इतनी सी चीनी डालती हूँ ना, आज वो भी नहीं डाली। कोई बात नहीं, ऐसी क्यों। बिना चीनी के चाय में कोई स्वाद आता है बताइए। ठीक टाइम पे लाइट आई है तो मैंने थोड़ा चेंज वेंज करके सोचा था रील्स बनाने का, तो अच्छा है लाइट आ गई थोड़ा अच्छा। गाइस देखिए बाहर हो रही है बारिश एंड मैं बना रही हूँ अंदर रील्स। व्हाट अ राइम ना, अच्छा बेटा बारिश रील्स आ गया, पानी भी आ गया। तो अभी जो बर्तन पड़े हैं चाय के उसको धोना है, तो मम्मी के साथ बतिया रही थी फोन करके, तो आ गए हैं आके हो लगे हैं अपनी गाड़ी धोने में, गाड़ी चमका रहे हैं। बोला जैसे कि मैंने आप लोग को नहीं बताया, शायद इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ये पति वे उसी को देख रहे थे। पता है सब तरफ से होता है, सुबह से बारिश मतलब 2 घंटे अराउंड रुक गई थी। पति देव इन्वर्टर को बनाए तब भी बारिश रुकी गई थी, तो 10:30 से 12:15 तक बनाए हैं वो। फिर अभी जैसे ही उसको लाने गए हैं 1:15 बज रहे हैं, अभी निकले हैं कि बारिश स्टार्ट, बारिश चालू हो गई। सुबह भी ज़्यादा टाइम भीगती हो गई, अभी आते टाइम भी भीगते आई। एंड इन्वर्टर को बनाए थे, बना फिर आधा घंटा चला, अभी उसमें से स्मेल आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। पढ़ाई का टाइम हो गया बेटा, ठीक है ना। मैं तो आज सो गई बोले अराउंड 2:30 बजे, खा पी के मैं मस्त जो सोई हूँ उठी हूँ 5:15 बजे। तो पर भी इधर उधर ही किए जा रहे थे एंड रोज वाटर लगाया भी फेस में, इचिंग होने लग जाती है पता नहीं क्यों, और फूल जाता है फिर जहाँ भी खुजाती हूँ इसीलिए।
उठी मेरे लिए पतिदेव चाय बना के रेडी रखे थे, बोले इतनी मीठी चाय। सुबह मैंने बिना चीनी वाली चाय पी है, वहां पर अगर फुल चीनी डाल के चाशनी बना के चाय देंगे तो कैसा लगेगा बताओ। तो मैंने उनको तो आज क्लियरली बोल दिया मेरे लिए आज के बाद चाय मत बनाना। तुम मैं बोली ना पीऊँ वो बेटर है, लेकिन ऐसे पीने में मेरे को मजा नहीं आता। तो उनको बताया भी मैंने, ऐसे ऐसे मेरे को नहीं पसंद, उनको पता भी है तो पर भी हाँ ठीक है बोल रहे थे। ब्लॉग शूट नहीं होगा कल, मेरा फोन जाएगा रिपेयर होने के लिए। एंड कपड़े से आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि मैं खुद परेशान हो चुकी हूँ, आप लोग मत हो देख देख के क्या करें। बारिश में यही हाल है, हर घर में जहाँ तक यही हाल है पूरा। ये देखिए यहाँ पे खुद जाए, यहाँ फूल फूल जा रहे हैं। पढ़ने के लिए बोली हूँ कि टाइम पास करने के लिए वही जाने एकदम। अभी तक कल का ब्लॉग नहीं डाला है, अभी डालने बैठी हूँ, कब जलाएगा जब भगवान जाने फिर। हाँ तो बैठो ना, आपको रही हूँ बाहर, अभी बारिश नहीं हो रही है तो ब्लॉग अपलोड करने के लिए बाहर, मतलब थोड़ा स्पीड देता है बोलिए, मतलब 10 मिनट में हो जाता है बोलिए। अगर कहीं कॉल लगा लोगे आप तो और इंटरनेट फास्ट चलता है, आई डोंट नो व्हाई। तो वही करती हूँ, कहीं फ़ोन लगा लेती हूँ घर में एंड उतने में वीडियो भी मेरा अपलोड हो जाता है। तो हो गया, तो अभी हम घर चलेंगे। तो 6 बज गया है, दीका बैठ गया अपनी स्टडी के लिए। एंड आज शनिवार है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग नागिन बिल्कुल मिस नहीं करने वाले हैं। लाइट वाइट नहीं रहता तो हम लोग फोन में देखना चालू कर देते हैं, लाइट बोलिए। तो जल्दी जल्दी पढ़ लो, लेट होगा तो मैं बिल्कुल भी देखने नहीं दूंगी आपको। लेट होगा मतलब आप लेट में बैठोगे या जल्दी उठोगे, मतलब ऐसा कुछ होगा तो फिर मैं वो उसको बोल रही हूँ। जल्दी बैठूंगा जल्दी बैठूंगा जल्दी उठूंगा तो चलेगा। जल्दी कहाँ बैठोगे, 6 बजे तो बैठे हो आप, आपका तो वही टाइम है, तो 8 बजे तक आपको बैठना है। मेरा कहने का मतलब वो यहाँ पर नागिन का टाइम हो गया एंड हितिका का भी टाइम हो गया है बोल रही है। नागिन हम लोग मिस नहीं कर रहे चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ वो अलग बात है, मतलब कोलकाता जाते हैं वहाँ पे भी हम लोग डाउनलोड करके देखते हैं, हम लोग का ये है बोलिए। ये कंप्लीट होगी तब मम्मी दिखाएगी आपको पूरा। ये मम्मी इतना लगा चुकी है, बहुत सुंदर दिख रहा है। यहाँ अब दूसरी बनाया गया इतनी अच्छी लग रही है कभी। अब मम्मी इतना बना चुकी है, मम्मी के पूरे हाथ में अभी लग चुके हैं यहाँ से। सो हे गाइस, ये रहा मेरा मेहंदी डिज़ाइन पूरा। तो मैं ज़्यादातर खुद से लगाना प्रेफर करती हूँ, मुझे दूसरे को कॉपी करना नहीं आता है। जो भी लगाते हूँ अपने दिमाग से ठीक ठाक लगा लेती हूँ। एंड यहाँ पे मुझे लगाते लगाते बज गए 12 एंड जब मतलब फ्रंट तरफ लगाने का ट्राई किया लगा रही थी तो मेहंदी बहुत अटक अटक के चल रही थी, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। देखिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ 2:05 एंड 2 मतलब 12 बज गए और अभी तक मैं मेहंदी टका रही हूँ।